दोस्तों, इस वीडियो में हम बनाएंगे घरेलू काम के लिए इलेक्ट्रिक एक्सटेंशन बोर्ड, जो कि आप वॉशिंग मशीन या फिर इलेक्ट्रिक मोटर जो भी आप काम करना चाहते हैं, जिससे आपको जो है अलग से इलेक्ट्रिसिटी लेना पड़ता है, तो वो हम जो इसके अंदर बोर्ड बनाएंगे, इलेक्ट्रिक बोर्ड। तो वो कैसे बनाना है सब कुछ इस वीडियो में मैंने आपको बताया। अगर आपको नहीं आता है बना के, तो पूरा वीडियो देख के वो जो है बोर्ड बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे 3 सॉकेट और 3 स्विच का यूज़ किया है। आप चाहे तो यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो। मुझे यहाँ पे 3 का चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे 3 का ही लिया है। देखिए, तो यहाँ पे मैंने जितने भी प्लग्स और जो इसके बटन्स है, यानी कि वो सब इसमें ऑलरेडी लगा रखा है। ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप भी जो है आसानी से लगा सकते हो। मेन जो इसकी बात आती है, वायरिंग कैसे करना है इसकी। ओके, तो हम जो है सीधा यहाँ पे वायरिंग करके ही मैं आपको दिखाऊंगा। आप जो है आपको जो भी बनाना है बोर्ड, इस तरह से आप जो है बटन और प्लग जो है बिठा दीजिए इसमें। आप देखिए, वायरिंग करने के लिए यहाँ पे मैं जो है TC एल्यूमिनियम वायर यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे मल्टी वायर का ही यूज़ कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले हमारे जो प्लग्स है उसके ये वाले जो पॉइंट्स रहते हैं, ये जो है अर्थ वाले पॉइंट रहते हैं। तो यहाँ पे हम जो है एक वायर डाल देते हैं अर्थ का। अभी जो है मैं इसे ज्वाइन नहीं करूँगा, लेकिन मैं इसमें जो है अर्थ वायर जो है डाल के रख देता हूँ। अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे अर्थ वायर को जोड़ के यूज़ में ले सकते हो। तो देखिए, आपके जो तीनों प्लग्स के जो ये ऊपर वाले पॉइंट है, इसके स्क्रू को लूज़ करना है, और यहाँ पर आपको इस तरह से तार डाल के इसके जो स्क्रू है वो अच्छे से टाइट कर देने हैं। तो इस तरह से देखिए, हमारा जो ये जो अर्थिंग वाला जो वायर है वो लग चुका है। आप देखिए, इसके अंदर हमें जो है न्यूट्रल वायरिंग करनी होगी। सबसे पहले हम जो इसकी न्यूट्रल वायरिंग करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने भी ये TC वायर का यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो इसकी जगह मल्टी वायर भी यूज़ कर सकते हो, 10 mm का। ओके, तो आप देखिए, ये TC वायर को आपको कैसे ज्वाइन करना है। ये जो हमारा न्यूट्रल हम कनेक्शन कर रहे हैं, जो हमारा सॉकेट है उसके राइट साइड में जो प्लग, यानी कि जो पॉइंट खाली है प्लग का, वहाँ पर आप जो है यहाँ पर लगा दीजिए उसे और उसको टाइट कर दीजिए। जो बीच वाला जो प्लग है उसका जो राइट वाला पॉइंट है वो भी खाली है, हम यहाँ पे इसका जो है न्यूट्रल वाला पॉइंट लगा देते हैं। तो इस तरह से देखिए, दोनों में हमको न्यूट्रल वायर लगा देना है। फिर आपको एक और टुकड़ा लेना होगा वायर का, और इसको भी जो है जो हमारा बीच वाला प्लग है उसमें उसके राइट वाले पॉइंट के स्क्रू को लूज़ करके वहाँ पे दोबारा से आपको डालना होगा। और जो लास्ट वाला प्लग है जो लेफ्ट साइड के अंदर है, वहाँ पर भी आपको उसको लूज़ करना है, और उसका जो राइट वाला पॉइंट है आपको वहाँ पर भी वायर को लगा देना है। देखिए, इस तरह से तीनों पॉइंट में आपको राइट साइड वाले जो भी तीनों पॉइंट है प्लग के, वहाँ पर आपको एक एक स्क्रू लूज करके आप इस तरह से वायर को आपको ज्वाइन कर देना है। ये हमारी न्यूट्रल सर्किट हो जाती है। ठीक है, इसके आगे हम जो है बाद में इसके फेस वायरिंग करेंगे, तो आप देख लीजिए। और लास्ट में मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूंगा, अगर आपको नहीं समझ में आया वायरिंग, तो पहले आप ये पूरा देख लीजिए किस तरह से हम जो है ज्वाइन कर रहे हैं। फिर देखिए, आपको रेड वाले वायर लेना है कुछ इस तरीके से, 3 टुकड़े। यहाँ पर भी मैं TC वायर यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहते हैं यहाँ पे मल्टी भी ले सकते हो। आप देखिए, आपको क्या करना है, जो प्लग का लेफ्ट साइड वाला पॉइंट था और जो हमारा बटन का एक जो पॉइंट है, आप दोनों भी पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट यूज़ कर सकते हो बटन के। तो मैं इस वाले बटन का ये वाला पॉइंट यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने इसका देखिए नट को लूज़ कर रखा है। और इस तरीके से आपको यहाँ पे वायर को ज्वाइन कर देना है, एक प्लग का जो पॉइंट है और एक बटन का जो पॉइंट है, इस तरह से दोनों नट को लूज़ करके आप जो यहाँ पे स्क्रू को लूज़ करके यहाँ पे जो है नट को वायर को टाइट कर दीजिए। तो हमारा ये पहले जो प्लग का है वो सर्किट हो जाता है कम्प्लीट। फिर जो बीच वाला प्लग है और जो बीच वाला बटन है, इसका हम कनेक्शन करते सेम उसी तरीके से जैसे हमने पहले वाले किया। तो देखिए, यहाँ पे मैं फिर से एक वायर ले लूँगा, और जो हमारा प्लग है बीच वाला, उसका लेफ्ट साइड वाला जो पॉइंट है उसका मैं स्क्रू को लूज़ करूँगा, और जो हमारा बटन है उसका स्क्रू को एक लूज़ करके कुछ इस तरीके से मैं वायर को यहाँ पे लगा देता हूँ। आपको भी इस तरीके से लगाना है। ओके, मैं यहाँ पे जो है एक एल्यूमिनियम का वायर कर रहा हूँ यूज़, तो इसलिए मैं जो यहाँ पे सीधा सीधा जम्पर टाइप यहाँ पर लगा रहा हूँ। देखिए, इस तरीके से आपको जो है पूरे स्क्रू को लूज़ करके वायर लगा के आपको यहाँ पे टाइट कर देना है। कुछ इस तरीके से आपको कनेक्शन करने होंगे। फिर सेम इसी तरीके से जो हमारा लास्ट वाला प्लग है, यहाँ पे भी आपको इसी तरीके से इसका जो स्क्रू लूज़ करना है प्लग का और सॉकेट का, सॉरी बटन का। और देखिए, इस तरीके से आपको जो है पूरा लगा देना है। स्विच और सॉकेट के दोनों स्क्रू लूज़ करने के बाद में जो हम वायर डाल देते हैं, उसके बाद में आपको जो यहाँ पे स्क्रू टाइट कर देना होता है। अब देखिए, हमारा जो यहाँ पे ये बटन के साथ और प्लग के साथ जो है वायरिंग हो जाता है यहाँ पे। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इसका जो है मेन सप्लाई की यहाँ पे वायरिंग करनी होगी, जिसमें हमारा करंट आएगा। तो यहाँ पे हम फिर से एक आपको यहाँ पे वायर लेना होगा रेड वाली, और जो हमारा बटन का जो ऊपर वाला पॉइंट खाली है वहाँ पे आपको लगा देना है दोनों, जितने भी हमारे तीनों बटन है, तो एक एक करके हम यहाँ पे पूरे लगा देते हैं। फिर इसका जो स्क्रू है वो भी टाइट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। जो बीच वाला जो बटन है वहाँ पे हम एक दोबारा से एक वायर को कनेक्ट करेंगे, और फिर इसका जो स्क्रू है वो टाइट कर देंगे। और जो फिर लास्ट वाला जो बटन है, इसके स्क्रू को लूज़ करके यहाँ पर हम जो वायर डाल देंगे। कुछ इस तरीके से हमारा ये कनेक्शन होगा। देखिए, अब ऊपर ऊपर आपको जो यहाँ पे सप्लाई की वायर को जोड़ देना है रेड वाले। आप देखिए, इसके अंदर जो हमारा ये वायर है, यानी कि जो मैं केबल यूज़ कर रहा हूँ सप्लाई देने के लिए, इसमें ये भी TC वायर है, जिसमें हमको 2 कोर वायर मिल जाती है, एक तो रेड और एक ब्लैक। ओके, न्यूट्रल फेस। तो जो रेड वाली है हमको ऊपर वाले बटन के इस वाले पॉइंट में लगा देना है, जहाँ पर हमने ऊपर के फेस वायरिंग किया था। और जो ब्लैक वाला है हमें वो न्यूट्रल वाले पॉइंट में लगा देना है, जहाँ पर हमने ब्लैक ब्लैक वायर यहाँ पर जोड़ा था। तो इस तरीके से देखिए, हमारा न्यूट्रल फेस के कनेक्शन हो जाते हैं।
ओके। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो चलिए मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ वायरिंग। तो ये हमारे देखिए तीनों यहाँ पे प्लग्स और यहाँ पे बटन है। अब देखिए आपको यहाँ पे एक एक करके मैं पूरा वायरिंग समझाता हूँ। तो हम पीछे के साइड में आ जाते हैं, देखिए ये हमारा वायरिंग किया हुआ है। अब देखिए आपको ये जो वायर दिख रहा है ये यहाँ पे अर्थ वायर हमने ज्वाइन किया, जिसमें मैंने अभी कोई वायर ज्वाइन नहीं किया, आप चाहे तो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। जो प्लग का ये टॉप वाला पॉइंट आता है, ये बीच वाला, ये अर्थ वाला पॉइंट रहता है, आप चाहे तो यहाँ पे अर्थ वायर का ज्वाइन कर सकते हो, मैंने इसे छोड़ रखा है। अब देखिए ये होने के बाद में हमारा जो प्लग है, प्लग के अंदर जो हमारा ये ब्लैक वाली वायरिंग देख रहे हो, ये न्यूट्रल वायरिंग है। तो प्लग के जितने भी राइट साइड वाले पॉइंट है, यानी कि ये वाले, यहाँ पे हमको एक एक वायर पूरे न्यूट्रल वायर इसी तरह से ज्वाइन करते लेके जाना है। देखिए तीनों प्लग में मैंने इस तरह से ज्वाइन किया और फिर एक सप्लाई का वायर यहाँ पे न्यूट्रल वाली ज्वाइन कर दिया इस तरीके से। आप देखिए हमारा जो बटन और जो प्लग है, प्लग का एक पॉइंट बाकी था, ये वाले प्लग यहाँ से आपको एक वायर कनेक्ट करनी होती है। हमारा जो बटन है उसके दूसरे वाले कोई भी एक पॉइंट पे आप जो लगा दीजिए, जैसे कि मैंने इस वाले पॉइंट पे लगाया है नीचे वाले बटन के नीचे वाले पॉइंट पे। तो देखिए इस तरीके से हमको जो है प्लग का और बटन का एक एक वायर को जो है ज्वाइन कर देना है कुछ इस तरीके से। तीनों उसके अंदर ये जो है ये सप्लाई का यानी कि कट ऑफ करने के लिए यहाँ पे लगाया होता है। आप देखिए ये होने के बाद में जो टॉप के अंदर ऊपर हमारा जो वायरिंग देख रहे हो, बड़े वाला जो रेड वाला वायर, ये वाला, यहाँ से हमें एक वायर ज्वाइन करना है, फिर यहाँ से लेके जाना है हमारा जो दूसरे वाला बटन है उसके पॉइंट पे, फिर यहाँ से आपको दोबारा एक वायर कनेक्ट करनी है, फिर जो तीसरा वाला बटन है उस पर आपको लेके जाना है, और यहाँ पे आपको जो यहाँ पे सप्लाई की फेस वायर कनेक्ट करनी है। इस तरीके से हमारा जो ये पूरा वायरिंग यहाँ पे हो जाता है, यानी कि इसमें करंट भी पहुँच चुका है। आप देखिए हमारा जो वायरिंग पूरा कंप्लीट होने के बाद में इसका जो बैक वाला साइड रहता है, यानी कि इसका जो कवर है उसको हम लगा देते पीछे का। तो देखिए इसके स्क्रू वगैरह में सब कुछ यहाँ पे एक एक करके टाइट कर लेता हूँ, आपको पूरे स्क्रू यहाँ पे टाइट कर देना है। तो हमारा ये बोर्ड यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब ये नट टाइट करने के बाद में हम जो है एक हमारा काम बाकी रहता है, हमारा जो दूसरा वायर का जो दूसरा सिरा है वहाँ पे हम जो एक पिन लगा देते हैं, टॉप पिन प्लग, जिसमें हम जो है सप्लाई को पहुँचा सकते हैं इसमें। तो देखिए आप न्यूट्रल फेस इस तरीके से वायर जो है प्लग में लगा दीजिए, ये आप बहुत ही आसानी से लगा पाओगे। फिर भी मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ किस तरह से आपको यहाँ पर लगाना है। यहाँ पर आप जो है दो वायर डाल दीजिए, जो अर्थ वाला ऊपर वाला पॉइंट है उसे आप छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे दो ही कोर का वायर है, अगर तीन कोर का वायर रहता तो हम यहाँ पे अर्थ वायर भी ज्वाइन कर लेते। तो देखिए यहाँ पे पिन को मैंने अच्छे तरीके से टाइट कर दिया, आप देख सकते हो। अब चलिए इसे हम टेस्ट कर लेते। तो यहाँ पे मैंने इस बोर्ड में सप्लाई डाल दिया है, पहले मैं आपको यहाँ पे चेक करके दिखा देता हूँ। देखिए टेस्टर मैंने यहाँ पे लगा दिया है, और जैसे मैं यहाँ पे स्विच को ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हो टेस्टर के अंदर हमारा फेस आ रहा है। ओके, यहाँ पे हमारा यानी कि इसमें सप्लाई आ चुका है, प्रॉपर वर्क कर रहा है। अभी इसे टेस्ट करने के लिए यहाँ पे मेरे पास एक चीज़ है, चलिए इसे हम जो है ऑन करके देखते हैं। तो ये जो इसमें लाइटिंग टाइप है, चलिए मैं इसकी पिन लगाता हूँ। हमारा जो बोर्ड है इसके किसी भी एक प्लग में यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ। चलिए पहले वाले प्लग के अंदर यहाँ पे मैं पिन को लगा देता हूँ और फिर इसका स्विच को ऑन करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे सप्लाई आ चुका है। अब यहाँ पे आप जो 50 फुट या फिर 30 फुट आपको जितना भी रिक्वायरमेंट चाहिए वायर का, उस हिसाब से आप वायर ज्वाइन कर लीजिए, और यहाँ पे आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं उसको, चाहे आपका कोई भी यूज़ हो। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।